तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जो हमारे हीरोज होते हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं माउंट नेवेरा जाने की, जहाँ पे वो वहाँ के कोल्ड वेदर से बचने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो रोय है वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बिकॉज ये उसके लिए फर्स्ट टाइम होगा जब वो स्नो देखेगा, तो वो स्नो में खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो माउंट नेवेरा की तरफ चल पड़ते हैं, और उसी रास्ते के बीच उन्हें ढेर सारी बर्फ देखने को मिलती है, जहाँ पे जो हमारे हीरोज और खासकर जो रोय है वो उसमें खेलना स्टार्ट कर देता है, और वो वहीं उसी स्नो में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और वहाँ पे वो काफी सारे पोकेमॉन्स को भी देखते हैं, जहाँ पे जो फुकोको है वो आइस पोकेमॉन को ज्वाइन करता है, बट तभी जो फुकोको के ऊपर है वो थोड़ी बर्फ गिर जाती है, जिससे कि वो एक दूसरे पोकेमॉन जिसका नाम है क्रीगी बैच उसके जैसा दिखने लगता है। तो बाकी पोकेमॉन्स को वो एक इंट्रूडर लगता है और वो उस पर अटैक कर देते हैं। तभी जो असली का क्रीगी बैक्स है वो वहाँ पे आ जाता है, इसी के चलते जो फ्रीकी बैक्स और बग बाइट है उसके बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बर्फ का तूफान आ जाता है, और हमारे हीरो जो है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो उसमें बिल्कुल नाकामयाब होते हैं। कि तभी जो हेट्रेन है वो वहाँ पे आती है और एकदम से उनको रोक के सब चीज दोबारा से नॉर्मल कर देती है, जिसके बाद जो हमारे हीरोज है वो दोबारा अपने माउंट नेवेरा की तरफ चल पड़ते हैं। जहाँ रास्ते में उन्हें फिर से ढेर सारी बर्फ जो है उससे गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे उसी बर्फ में काफी एंजॉय करते हुए इधर उधर जाते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद जो रो है वो वहीं उसी जंगल में घूम रहा होता है कि तभी एक जो बेयर टिक है वो उस पर अटैक कर देता है। जो हमारे हीरोज है वो रोय को बचाते हुए किसी तरीके से उससे भागते हैं, जिस बीच उन्हें वहाँ पे एक छोटा सा घर दिखता है, तो हमारे हीरोज हैं वो उसके अंदर शेल्टर देते हैं और थोड़ी देर वहीं रिलैक्स करते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि जो माउंट नेवेरा है वो अभी काफी ज्यादा दूर है, तो उन्हें रात के लिए उसी घर में रुकना पड़ेगा, तो वो यही प्लान करते हैं। और इसी के बाद वो तीनों चल पड़ते हैं लकड़ियाँ ढूंढने, जहाँ रॉय उसका फुकोको और जो वॉटर है वो एक साथ एक टीम में लकड़ी ढूंढ रहे होते हैं, और उनकी जो लकड़ी वो ऑलमोस्ट कलेक्ट हो ही चुकी होती है कि सभी जो रॉय है वो देखता है कि फुकोको जो है वहाँ से गायब है, जो कि बेचारा अभी भी लकड़ी ढूंढ रहा होता है। और इसी बीच जो रॉय है वो उसको ढूंढने जाता है, और बाद में दोनों को रियलाइज होता है कि रॉय और फुकोको जो है वो दोनों तो एक दूसरे से बिछड़ गए, तो ऐसे ही एक दूसरे को उसी जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो अभी क्या कर रहा होगा और कैसे होगा। तो इसी पे वो दोनों एक लास्ट बार फिर से एक दूसरे को ढूंढने चलते हैं, और फाइनली वो किसी तरीके से एक दूसरे से फिर से रिनाइट हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहीं से सीधा उसी घर की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पे वो लिको और डॉट से मिलते हैं, और उन्हें पता लगता है कि असल में वो जो लकड़ी लाने गए थे वो तो वो लाए। के बाद अगली सुबह नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे हीरोज वो फिर से अपने माउंट नेवेरा के एडवेंचर पे निकल पड़े हैं, और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।